नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी जो सीरीज चल रही है उसका 22वां लेक्चर होगा। इतनी सरल भाषा में आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। सारा चीज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। वैसे कहा जाता है इंडियन पॉलिटी डिफिकल्ट है, मगर इतनी सिंपल भाषा में पढ़ाया गया, अगर आपने 21 लेक्चर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आज देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 हम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट के क्रैश कोर्स और डिटेल पार्ट है वो हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं, तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाया कीजिएगा और ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगी और बाकी चीज़ें भी मिल जाएंगी। आप देखिए चैनल हमारा जो है, और सुबेरे 5 बजे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, वो ज़रूर पढ़ा कीजिए। वो एकदम आपके एग्ज़ाम के लिए ही होते हैं, एक बिल्कुल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के वही पढ़ाए जाते हैं उसी तरीके से, तो ज़रूर देखा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडियन पॉलिटी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मौलिक अधिकार, वही हम पढ़ रहे हैं। तो मौलिक अधिकार आप जानते ही होंगे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक डिस्कशन किया गया है और भाग 3 में इसको रखा गया है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अभी तक आपने समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ लिया है, स्वतंत्रता का अधिकार हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया 19 से लेकर 22 तक, और शोषण के विरुद्ध अधिकार इसके अंतर्गत आर्टिकल 23 और 24 आएंगे, ये हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक ये, उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसका संपत्ति का अधिकार, देखिए ये अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे मौलिक अधिकार अभी कितने हैं, 6 हैं। इसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें हैं, आप देखिए चलिए शुरुआत करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 सबसे पहले देखेंगे। अनुच्छेद 23 किसके बारे में, देखिए जो मानव का दुर्व्यवहार होता है, बेगार और बलात्श्रम है, उसका निषेध आर्टिकल 23 में किया गया है, वही हम डिटेल में अब देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए आर्टिकल 23 के अंदर दो क्लॉज हैं, ठीक है, दो उपखंड है। तो सबसे पहले पहला उपखंड पढ़ेंगे फिर दूसरा उपखंड पढ़ेंगे। तो जो आर्टिकल 23 का जो पहला क्लॉज है वो क्या कहता है कि ये कह रहा है कि राज्य मानव दुर्व्यापार, बेगार, ठीक है, ये बेगार है, बेगार एवं बलात्श्रम नहीं होने देगा। यदि इसका कोई उल्लंघन करता है तो वो अपराध होगा और दंडनीय होगा। आप समझ पा रहे हैं, फिर समझाता हूँ कि राज्य को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो मानव का दुर्व्यापार नहीं होने देगा, मानव के साथ बेगार नहीं होने देगा, मानव के साथ बलात्श्रम नहीं होने देगा। सबसे पहले आपको ये तभी समझ में आएगा जब तीनों शब्दों का आपको मतलब समझ में आएगा। अब तीनों शब्दों का मतलब मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए मानव दुर्व्यापार, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, अर्थात मानव का गलत व्यापार, मतलब मानव को किसी वस्तु की तरह खरीदना और बेचना, सिंपल सी बात है। मानव को किसी वस्तु की तरह, जैसे वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है ना, तो मानव को भी किसी वस्तु की तरह खरीदना और बेचना ये अपराध है। आर्टिकल 23 के पहले क्लॉज में लिखा गया है ये अपराध है, ऐसा नहीं होने देगा राज्य, ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो हमारा न्यायालय है ना, तो हमारे न्यायालय ने मानव दुर्व्यापार की जो व्याख्या दी है उसके अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है। इसमें ये कहा गया कि मानव का किसी भी रूप में व्यापार नहीं किया जा सकता। मानव का किसी भी रूप में अगर कोई व्यापार करेगा तो वो अपराध होगा, चाहे वो ऐसे समझ लीजिए कि मानव के अंगों का ही खरीद फरोख हो रहा है, ये भी दुर्व्यापार है मानव का, या छोटे बच्चों को खरीदा या बेचा जा रहा है उनको भीख मंगवाने के लिए या कुछ अन्य गलत काम करवाने के लिए, तो ये भी अपराध है। स्त्रियों को खरीदा या बेचा जा रहा है वेश्यावृत्ति कराने के लिए, ये भी अपराध होगा। और बंधुआ मजदूरी, वो भी सब क्या है, अपराध होंगे। और मानव जो है खुद भी अपने आप को ना बेच सकता है, ठीक है, खुद भी अपने आप को नहीं बेच सकता, मतलब अपने अंगों को भी नहीं बेच सकता मानव, कि ऐसा नहीं कि मानव चाहे अपनी किडनी को, अपने शरीर के किसी भी अंग को बेच दे या खरीद ले, ये भी अपराध है। और दास प्रथा जो है ये भी एक अपराध है,
जैसे आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा हमारे चैनल से, उसमें सब बताया गया है कि अफ्रीका में क्या हुआ करता था, कि अफ्रीका के लोगों को खरीद लिया जाता था और उन्हें अमेरिका ले जाया जाता था और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था, अर्थात दास प्रथा चली आ रही थी, तो वो भी एक अपराध होगा। ठीक है, तो मानव दुर्व्यापार आपको समझ में आ गया। और बेगार, बेगार का मतलब देखिए क्या है, बेगार बेगार का मतलब मुफ्त में काम कराना, या काम करवाना तो बहुत ही कम मजदूरी दे के काम करवाना, जितनी मजदूरी है उससे बहुत कम मजदूरी देकर काम करवाना। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर भारतीय इतिहास आपने पढ़ा होगा उसमें आपने देखा होगा हमारे भारत में ही जो जमींदारी प्रथा चली आ रही थी उसमें क्या हुआ था, उसमें जो बेगारी थी वो बहुत ही ऊपर जा चुकी थी। जो बेगार का मतलब मैंने आपको बताया, ये बेगारी जो थी उस समय बहुत चरम सीमा पर थी। वहाँ पे क्या हुआ करता था, जमींदार गरीबों को उधार दिया करते थे, मगर ब्याज पे पैसे दिया करते थे, उधार जो है ब्याज पे दिया करते थे, तो ब्याज का जो परसेंटेज था वो बहुत अधिक हुआ करता था। तो जो गरीब मजदूर बेचारे उधार लिया करते थे वो मूल राशि को क्या कहें, ब्याज भी नहीं चुका पाते थे, और ब्याज उनका मूल राशि से कई गुना ज़्यादा हो जाया करता था, तो जमींदार लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते थे, उनके बच्चों को या उन्हीं को ही अपने घर पे काम करवाते थे और ना ही कुछ पैसे देते थे ना कुछ करते थे, तो वो सब जो है अपराध है इस समय। बलात्श्रम, फोर्स लेबर, ये भी बेगार जैसे ही एक मतलब, बिना किसी मजदूर की इच्छा के कोई काम नहीं करवाया जा सकेगा, मतलब किसी काम के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे कोई मजदूर है उसकी इच्छा नहीं है कोई काम करने की, तो उसे मजबूर नहीं किया जाता कि जा सकता कि आप ये काम करो, किसी भी तरीके से उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और भी एक मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई भी लड़का, उसने 12th पास की है, उसे मजबूर नहीं किया जा सकेगा कि वो 12th के बाद BSc ही करे या BA ही करे या इंजीनियरिंग ही करे, वो अपनी ही मर्जी से चुनेगा कि क्या कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 23 का पहला क्लॉज आप समझ में आ गए हैं कि राज्य मानव दुर्व्यापार नहीं होने देगा, बेगार नहीं होने देगा, बलात्श्रम नहीं होने देगा, और जो भी इसका उल्लंघन करेगा वो अपराध होगा, उसे दंड दिया जाएगा। देखिए, जब हमारा मूल संविधान बना था उसमें इसकी क्या सजा होगी वो नहीं बताया गया था, बस ये लिख दिया गया था कि संसद को अधिकार दिए गए थे कि संसद आर्टिकल 35 का यूज़ करके आर्टिकल 23 से रिलेटेड जो भी दंड होंगे वो दे सकेगा, वो निर्धारित कर सकेगा। तो संसद ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और 1976 में एक कानून बनाया, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन। ठीक है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन एक्ट, ये 1976 में बनाया गया था। और उसके बाद जो दूसरा है, एक 1956 में बनाया गया था, अनैतिक व्यापार अधिनियम। ठीक है, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 में बनाया गया था, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में बनाया गया था। तो संसद ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया था। और देखिए, आपने आर्टिकल 17 पढ़ा होगा, 17 क्या है, अस्पृश्यता जो है उसको अनुमूलन है, उसका अनुमूलन है, मतलब अस्पृश्यता पर रोक लगाई गई है आर्टिकल 17 में ना, और उससे रिलेटेड क्या सजा होगी ये भी नहीं बताया गया था। तो आर्टिकल 35 में ही ये पावर दी गई थी कि संसद को वो कानून बनाए, तो आर्टिकल 35 का इस्तेमाल करके संसद ने कानून बनाया था। उसी प्रकार आर्टिकल 18 भी आपने पढ़ा होगा कि उपाधियों का त्याग, मतलब उपाधियां कोई नहीं ग्रहण कर सकता, आर्टिकल 18 में बताया गया था। और ये भी दिया गया था पावर आर्टिकल 35 के द्वारा संसद को कि संसद कानून बना सके कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसको क्या सजा होगी, मगर अभी तक संसद ने कोई कानून नहीं बनाया। ठीक है, तो आपको आर्टिकल 23 का पहला क्लॉज मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको सिंपल भाषा में बताया है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 23 का दूसरा क्लॉज ये देखिए, ये पहले वाले का अपवाद है। ठीक है, यह अनुच्छेद 23 के पहला क्लॉज का ये अपवाद है। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत क्या है, राज्य को अनुमति प्रदान करता है, आर्टिकल 22 का दूसरा क्लॉज राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा जैसे कि सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा ये आरोपित कर सकता है, जिनके लिए वह धन देने के लिए भी बाध्य नहीं है, जिनके लिए राज्य धन देने के लिए भी बाध्य नहीं है, लेकिन इस प्रकार की सेवा में लगाने में राज्य को धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव अनुमति नहीं दी गई है। धर्म, जाति या वर्ग या मूल वंश के आधार पर, ये भी है, ये चार चीजें हैं, ठीक है, मूल वंश के आधार पर। अब देखिए आर्टिकल 23 का दूसरा कहता क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो भारत और चाइना के बीच में जंग छिड़ जाती है, ठीक है, और ऐसी स्थिति आ जाती है कि सैनिकों की कमी पड़ रही है, तो राज्य एक अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर सकती है, जिसके अंतर्गत ये कंपलसरी हो जाएगा अगर राज्य चाहे कि सभी घरों के एक एक सदस्य जिनकी आयु वो सरकार निर्धारित करेगी कि 20 साल से 40 साल के बीच में, वो सभी युद्ध करने जाएंगे। अब दूसरी ओर देखिए आर्टिकल 23 का पहले क्लॉज में देखिए उसमें क्या लिखा था कि किसी के साथ फोर्स लेबर के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे तो सरकार क्या कर रही है, जबरदस्ती सबको कह रही है कि आप लड़ने जाएं। अब सरकार ने आर्टिकल 23 के दूसरे क्लॉज, इसी जो हम पढ़ रहे हैं, इसके जरिए वो उनको बॉर्डर पे लड़ने के लिए भेज सकती है, उसके लिए वो चाहे तो पैसे भी ना दे तब भी जाना पड़ेगा। तो देखिए अपवाद हो गया ना, कि 23 के पहले क्लॉज में कहा जा रहा है कि कम मजदूरी पे अगर काम करवाओगे तो ये दंड होगा, या बिना मजदूरी के अगर काम करवाओगे अर्थात बेगारी करवाओगे तो दंड होगा, तो यहाँ पे करवाई जा रही है, मगर यहाँ पे देश के लिए करवाई जा रही है, क्योंकि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने देश की रक्षा करें, तो इसलिए करवाई जा रही है। तो मगर राज्य जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। राज्य ऐसा नहीं कर सकती, अगर लड़ाई छिड़ गई है ऐसा नहीं कर सकती कि पर्टिकुलर इस जाति के लोग ही जाएंगे लड़ाई करने, इस जाति के लोग नहीं जाएंगे, या इस धर्म के लोग ही लड़ाई करने जाएंगे उस धर्म के लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इस धर्म के लोग सच्चे देशभक्त होते हैं, उस धर्म के लोग सच्चे देशभक्त नहीं होते, ऐसा कुछ भी डिफाइन सरकार नहीं कर सकती, कोई भेदभाव नहीं कर सकती इस तरीके से, ना मूल वंश के आधार पर ना वर्ग के आधार पर। हाँ, लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ऐसा भेदभाव किया जा सकता है कि केवल पुरुष ही जाएंगे, स्त्री नहीं जाएंगी, ये भी किया जा सकता है कि केवल 20 साल से 30 साल के उम्र के ही जाएंगे, 20 साल से 30 साल के बीच की उम्र के ही जाएंगे, बाकी ना बच्चे ना बूढ़े वो सब नहीं जाएंगे। यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है आयु के आधार पर, और स्त्रियां नहीं भेजी जा रही हैं, पुरुष भेजे जा रहे हैं, तो लिंग के आधार पर भेदभाव है। तो मतलब केवल चार जो ये वर्ड हैं, चार, धर्म, जाति, वर्ग और मूल वंश के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, इसके अलावा भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो आप समझ गए हैं आर्टिकल 23 पूरे अच्छे से। आर्टिकल 23 का पहला क्लॉज क्या कहता है कि मानव के साथ दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए, उसके साथ बेगार नहीं होना चाहिए, और उसके साथ बलात्श्रम नहीं होना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर 23 का दूसरा क्लॉज जो कह रहा है, ये उसका अपवाद है, यहाँ पे आपके साथ दुर्व्यापार भी हो सकता है, बेगार भी हो सकता है, बलात्श्रम भी हो सकता है अगर राज्य चाहे, मगर यहाँ कंडीशन दी गई है जैसे देश के लिए है, तो वहां पे तो सबको गर्व ही होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आर्टिकल 23 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 23 याद रखिए, ये व्यक्ति के लिए बताया गया, व्यक्ति शब्द आ रहा, मतलब ये भारतीय नागरिक के लिए भी है और विदेशी नागरिक के लिए भी है, दोनों के लिए है, याद रखिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 24, ये बहुत ही इजी है, बहुत छोटा है। कारखानों और खानों में बालकों के नियोजन का निषेध है, इसमें बताया गया है, मतलब बहुत इजी है। इस अनुच्छेद के अंदर जो 14 वर्ष की आयु या उससे कम के जो बालक हैं, उन्हें कारखानों या खानों या अन्य ऐसे संकटपूर्ण जो काम होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं, जैसे निर्माण कार्य, घर निर्माण, फैक्ट्री निर्माण कार्य, रेलवे, यहाँ पर लगाने से प्रतिबंधित किया गया है आर्टिकल 24 के अंतर्गत।
और भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बालकों का जो मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है रुकता है, वहाँ भी काम करने से रोका गया है। जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा जहाँ बनते हैं वहाँ भी काम करने से रोका गया है। और भी जो छोटे काम है जिससे शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर ये रोका गया है। और संसद को अधिकार दिया गया था इससे रिलेटेड, इसे रोकने के लिए, इसका जो पालन नहीं करेंगे उसमें क्या दंड दिया जाएगा, वो सरकार कानून बना सकती है, वो संसद जो है कानून बना सकती है आर्टिकल 35 के जरिए। अभी आर्टिकल 35 आप आगे पढ़ेंगे आपको और इजी हो जाएगा, और समझ में आएगा। तो संसद ने इस पावर का यूज़ करते हुए तीन कानून बनाए थे, एक बाल श्रम अधिनियम 1986, मैं लिख देता हूँ, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, और जो दूसरा है कारखाना अधिनियम, कारखाना एक्ट या कारखाना अधिनियम 1948, और तीसरा जो है खान अधिनियम, खान एक्ट या खान अधिनियम 1952। इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, नाम से पता लग रहा है क्यों बनाए गए होंगे, क्योंकि रोकने के लिए बनाए गए होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये आर्टिकल 24 14 वर्ष की आयु या उससे कम आयु के बच्चों के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 14 वर्ष की आयु या उससे कम वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उन्हें कारखानों में ना काम करवाया जाए, उन्हें खानों में ना काम करवाया जाए, या ऐसे जो डेंजरस स्थान है जहाँ पे उन्हें चोट लग सकती है, उनके साथ हादसा हो सकता है, जैसे रेलवे और भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वहाँ पे काम करने से रोका गया है। और भी अन्य स्थान, छोटे 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 स्थान जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, वहाँ पे बच्चों का उनका क्या विकास होगा, उनका जो मानसिक है उसका विकास रुक ही जाएगा, तो ऐसे स्थानों पर भी काम करने से रोका गया है। मगर कुछ काम है वो कर सकते हैं, क्योंकि भारत में अभी ऐसी स्थिति है कि अगर उन्हें रोक दिया जाए कि हाँ, बोल दिया जाए कि 14 वर्ष उससे कम की जो भी आयु के बालक हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, उन्हें मजदूरी ना करवाया जाए, अगर ऐसा रोक दिया जाएगा तो और भी संकट आ सकते हैं, क्योंकि कई घर आप देखेंगे ऐसे हैं कि केवल बच्चों की ही कमाई पर डिपेंडेंट है। तो सरकार ने लिस्ट बनाई है कि ऐसे ऐसे काम जो सिंपल है जिनसे उनका मानसिक विकास और शारीरिक विकास ना रुके वो कर सकते हैं वो। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो आर्टिकल 23 और 24 में देखा कि शोषण को रोकने के लिए बनाए गए हैं, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और स्क्रीन पर जो 4 लेक्चर हैं वो भी देखिएगा, और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिए गए हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड है वो भी देखिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत सारे वीडियो हैं वो भी देखिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।